गाइस वेलकम टू चैनल, आई एम आशीष मेडिकल जिम से मध्य प्रदेश। और ये हम एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द हर्ट के बारे में हम सेकेंड वीडियो देख रहे हैं। फर्स्ट वीडियो हमने इंट्रोडक्शन लिया था पूरा एक्सटर्नल फीचर्स का, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हम पहला एक्सटर्नल फीचर अपेक्स से स्टार्ट करें। चैम्बर्स हर्ट में चार होते हैं, इसे चार एक्सटर्नल फीचर्स हैं, ठीक है। दिमाग हमेशा क्या रखना है, अपेक्स, बेस, तीन सर्फेस, चार बॉर्डर, ठीक है। क्योंकि थर्ड पोर्शन पर हमारे सर्फेस है, इसे तीन, वन टू थ्री, इसे थ्री सरफेस, फोर्थ के बॉर्डर्स, इसे चार बॉर्डर हैं। तो इसी ऑर्डर में आप याद रखेंगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब अपेक्स से स्टार्ट करते हैं। अब डायग्राम हमने देखा था पहले कि सबसे जो लोअर मोस्ट पॉइंटिंग पोर्शन था इसे हम बोलते हैं अपेक्स, जो कि किससे फॉर्म हो रहा है। देखिए ये ऊपर जो यहाँ तक ग्रीन बॉर्डर लाइन है ये है राइट वेंट्रिकल, और पीछे देखें पूरा का पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल का लोअर पोर्शन ही बना रहा है हमारा अपेक्स। सो अपेक्स इज फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इट्स नथिंग बट ए कोनिकल लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द हर्ट। सो हाउ यू डिफाइन एन अपेक्स, इट्स नथिंग जस्ट इट्स जस्ट अ कोनिकल एरिया, कोनिकल एरिया फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल ओनली, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए बिल्कुल राइट वेंट्रिकल बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं आता, सोलली पूरा अलोन कौन पूरा फॉर्म कर रहा है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दिमाग में हमेशा रखना है वो पर्सन जो लास्ट स्टूडियो में पूरा अच्छे से क्लियरली आपको दिखाया था कि कैसे इमेजिन करना हर्ट को, तो ये बहुत ही आसान हो गया आपके लिए समझना। कोनिकल एरिया फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड हाउ इट्स ओरिएंटेड, इसको ओरिएंटेशन कैसा है। जो देखिए अपेक्स होता है ना, भले ही छोटा सपोज ये अपेक्स है, ठीक है, ये आपकी बॉडी में अपेक्स है, हर्ट का प्लेन ये है। तो अपेक्स जो ये है ये थोड़ा ऐसे एंटीरियर फॉरवर्ड की तरफ होता है, सामने की तरफ फॉरवर्ड, देन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड डाउनवर्ड। तो कुछ ऐसा हुआ, अब इमेजिन करें आप हेड से देख रहे हैं हर्ट को सुपीरियर व्यू से, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। सो डायरेक्टेड फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। तो हर्ट का ओरिएंटेशन ऐसा होता है, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये क्यों समझा रहा हूँ, क्यों बेस का वो ना जस्ट अपोजिट होने वाला है, इसलिए ध्यान दो। एपेक्स क्या है, फॉरवर्ड पॉइंटिंग है, डाउनवर्ड है एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, ऐसे ओरिएंटेड है। सो एपेक्स इज ओरिएंटेड कैसे है, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड्स, टुवर्ड्स द लेफ्ट, फॉरवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, एंड टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन होगा अपेक्स का। अब अपेक्स की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो ठीक है वापस हम डायग्राम पे आएंगे। आपको बता दूँ अपेक्स का जो लोकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से समझना है। हर्ट का वन थर्ड पोर्शन मिड स्टर्नम से राइट साइड कितना पोर्शन लाई करता है, वन थर्ड, और बाकी टू थर्ड पोर्शन कहाँ लाई करता है, लेफ्ट साइड। तो स्टर्नम कुछ यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, मैंने मिड स्टर्नल लाइन यहाँ पे होगी, ठीक। और यहाँ से अराउंड 9 सेंटीमीटर दूर लाई करता है हमारा अपेक्स। अब 9 सेंटीमीटर दूर तो कहीं भी हो सकता है, ऊपर से लेकर पूरा 9 सेंटीमीटर हो सकता है। तो कोई एग्जैक्ट तो हमारी हो गई एक्स एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे कोई स्पेसिफिक लोकेशन, हाँ, जो अपेक्स के जस्ट ऊपर होता है हमारा फिफ्थ रिब, और जस्ट नीचे होता है सिक्स्थ रिब। तो ये ठीक कहाँ लाई करता है ये, तो ये कहाँ लाई करेगा, ऊपर क्या है फिफ्थ रिब, नीचे है सिक्स्थ रिब, तो लाई कर रहा है ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। सो ये हम ये पॉइंट नोट कर लेते हैं, बहुत ही नोटेबल बात है, क्योंकि अपेक्स स्पीड सबसे अच्छी यहीं पर ये फील होती है, ठीक है। तो अपेक्स इज ए कोनिकल एरिया फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, ओरिएंटेशन बताया, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट। एंड व्हाट इज द लोकेशन, इट इज़ लोकेटेड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, तो ऊपर फिफ्थ रिब है, नीचे सिक्स्थ रिब है, एट और एग्जैक्ट पोजिशन में 9 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड लाइन, या फिर एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, 9 सेंटीमीटर मिड लाइन हो गया, और 1 सेंटीमीटर और वन सेंटीमीटर फ्रॉम मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। तो ये हो गया लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस और लेवल ऑफ
9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन और 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड क्लेविकुलर स्पेस। तो ये देखते हैं यहाँ पर 9 सेंटीमीटर यहाँ से और यहीं पर मिड क्लेविकुलर लाइन ऊपर से आ रही है। सो व्हाट इज दिस लाइन, दिस इज मिड क्लेविकुलर और यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूर। तभी हर्ट की अप्रॉक्सीमेट यानी कि ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेट जो विड्थ बताई जाती है वो 9 सेंटीमीटर होती है। तो अपेक्स का इतना क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ द अपेक्स बीट। अपेक्स बीट, ये अपेक्स बीट क्या है, इट्स नथिंग बट द लोअर मोस्ट, बहुत वर्ड एकदम याद रखना है, एकदम की वर्ड हैं सब, लोअर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट थ्रस्ट ऑफ कार्डियक इम्पल्स जो कि हमें चेस्ट में फील होगा। सो चेस्ट में अगर आप एग्जैक्ट जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आएंगे 9 सेंटीमीटर ऑफ द मिड लाइन, आपको अपेक्स बीट फील होगी। ऐसे कुछ जैसे लगे कोई हाथ पे से नीचे से कुछ टैप कर रहा है, ऐसे धीरे से कुछ टैप कर रहा है आपको हाथ पे, ऐसा फील होगा। सपोज़ ये नई अपेक्स है, आप ऐसे नीचे रखेंगे, हैंड रखेंगे फील करने के लिए, लगेगा कि नीचे से कोई ऐसे टैप कर रहा है धीरे धीरे। तो दैट्स द अपेक्स बीट, लोअर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट थ्रस्ट ऑफ कार्डियक इम्पल्स। तो ये कब फील होगा, जब वेंट्रिकल्स गो अंडर कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। ये बातें आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। अब बारी है बेस की, तो बेस को कैसे इमेजिन करना है, व्हेन अ पर्सन वाज सिटिंग विथ हिज बॉडी टिल्टेड ऑन ए चेयर, तो जिसका अपर मोस्ट पोस्टीरियर सरफेस होता है दैट इज फॉर्म बाय द बेस। तो कैसे था, ठीक है, अपर मोस्ट पोस्टीरियर सरफेस, तो ये पूरा पोर्शन, ये एंटीरियर का थोड़ा पोर्शन अब और ये पोस्टीरियर का थोड़ा पोर्शन, ठीक है। बेस इज ऑल्सो कॉल्ड द पोस्टीरियर सरफेस, पर एग्जैक्ट पोस्टीरियर सरफेस नहीं है वो, उसका मेनली द अपर पोर्शन को ही हम लेते हैं बेस में। तो जहाँ से पूरा ग्रेट वेसल्स इमर्ज हो रही हैं वो सारा पार्ट आता है हमारा बेस ऑफ द हार्ट में। और इसके ओरिएंटेशन की बात करें, बेस कैसे ओरिएंटेड है, तो अपेक्स के जस्ट अपोजिट। अपेक्स कैसे था, फॉरवर्ड डाउनवर्ड एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बेस कैसा है, पीछे की तरफ है, बैकवर्ड अपवर्ड एंड टुवर्ड्स द राइट, तो ये इसका ओरिएंटेशन हो जाएगा। तो बेस के बारे में आपको क्या क्या बातें पता चल गई हैं, बेस इज ऑल्सो कॉल्ड द पोस्टियर सरफेस, और ये कैसे फॉर्म होता है, बाय टू एट्रिया। अपेक्स वॉज फॉर्म ओनली बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इमेजिन निकाल से बहुत आसान हो गया आप करना। तो टू एट्रिया मतलब दोनों हाथों से फॉर्म हो रही है, ठीक है, बाय टू एट्रिया, यानी कि हैंड से अपर पोर्शन नियर द शोल्डर लेवल के अराउंड, ठीक है, बाय टू एट्रिया राइट एंड लेफ्ट। अब देखिए इसमें भी एग्जैक्ट बात कहते हो, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, तो मेजर पोर्शन है अराउंड 2/3 पोर्शन जो है वो लेफ्ट एट्रिया से होता है और राइट में अराउंड 1/3 पोर्शन, ठीक है, राइट एंड एट्रिया कंट्रीब्यूशन अराउंड 1/3 है और लेफ्ट एट्रिया कंट्रीब्यूशन 2/3 है बेस के फॉर्मेशन में। अब बेस के फॉर्मेशन तो हो गया, अब बेस का ओरिएंटेशन कैसा है, इट लाइज एग्जैक्ट अपोजिट टू अपेक्स। इसका मतलब इसका ओरिएंटेशन कैसे होगा, अपेक्स कैसा था, फॉरवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट, तो इट इज राइटेड बैकवर्ड अपवर्ड एंड टुवर्ड्स राइट, दैट इज एग्जैक्ट अपोजिट टू द अपेक्स। अब कुछ इसके फीचर्स हैं, जैसे कि पहला फीचर तो बहुत जाहिर सी बात है बता चुका आपको, लाइज अपोजिट टू अपेक्स। और इसके अलावा इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो इट लाइज इन द फ्रंट ऑफ द 4th थोरैसिक वर्टेब्रा, क्योंकि बहुत बड़ा सरफेस टाइप का है ना, तो 4 थोरैसिक वर्टेब्रा के सामने लाई करता है। कौन कौन से वर्टेब्रा हैं, दैट आर द T5, T6, ये वर्टिब्रा हैं सारे, ठीक है, T5, T6, T7 एंड T8, ठीक है। तो नॉर्मल जब पर्सन अगर लाइन पोर्शन में यानी कैडेवरिक पोर्शन में ही लाई करता है T5 से T8, बट अगर नॉर्मल पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में तो लाई करता है ये T6 से T9, यानी कि एक नीचे हो जाता है, लाइज एट लेवल ऑफ T5 to 8, ठीक, कन्फ्यूज नहीं होना, इसमें 4 वर्टिब्रा आते हैं,
लाइन पोजीशन और एक लेवल नीचे आ जाएगा स्टैंडिंग पोजीशन में, दैट इज़ फ्रॉम T6 टू T9 इन स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, हर्ट का जो पोस्टीरियर सरफेस होगा, जो इसके ऊपर ऐसे सपोज ये पोस्टीरियर सरफेस है हर्ट का, यानी कि बेस है ये, और इसके ये और वर्टिब्रा के बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे, ईसोफेगस होगा और ऑर्टा होगा, उसके अलावा साइनसेस भी होते हैं, जो हम आगे जो हर्ट का वीडियो में कंटिन्यूशन होगा आगे आने वीडियोज़ में हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अपेक्स कम्प्लीट कर लिया, बेस कम्प्लीट कर लिया, आप क्या बचे हैं सर्फेसेस। सो वी हैव गॉट 3 सर्फेसेस और उसको बहुत ही शॉर्ट में हम कंपेरेटिव पढ़ेंगे, हम जितना काम की बात है बस, कोई फालतू बात नहीं करनी हमें। सो सरफेस में 3 सरफेस आते हैं, थर्ड पोजीशन में पढ़ लें, इससे आपको याद रखना है वी हैव 3 सरफेसेस। कौन कौन सी हैं? स्टर्नोकोस्टल सरफेस, और इसके अलावा हमारे पास क्या क्या है, वी हैव डायाफ्रैगमेटिक, और जो लास्ट सरफेस है वो है लेफ्ट सरफेस। ठीक है, अब स्टर्नोकोस्टल डायफ्रामेटिक लेफ्ट सरफेस, ये एक्चुअली कैसे फॉर्म हो रही है, यानी कि कौन से चैम्बर कंट्रीब्यूट करते हैं इन सब के फॉर्मेशन में, तो वही आपको दोबारा उस आदमी को बैठे हुए इमेजिन करना है जो एक्चुअली जैसे बताया था आपको कैसे वो लाई करता है। तो आपने उस फोटो में देखा होगा कि जो पर्सन का राइट साइड था पूरा, यानी कि राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल वो सामने की तरफ था, और जो पूरा लेफ्ट पोर्शन था वो पीछे की तरफ था। तो स्टर्नोकोस्टल सरफेस कौन सी है? ये स्टर्नम सामने लाई करता है ना, इससे स्टर्नोकोस्टल सरफेस सामने सरफेस है। तो कैसे मेजरली कैसे फॉर्म होंगी? राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल से। तो ठीक है, एंटीरियर सरफेस कैसे फॉर्म हो रही है? राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल से, या फिर राइट एट्रिया या और राइट वेंट्रिकल से। अब डायफ्रामेटिक सरफेस ये लोअर पोर्शन है, यही डायफ्रामेटिक के सेंट्रल टेंडेंसी ऐसे फ्यूज रहता है। ठीक है, नीचे लाई करता है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम का जो सरफेस है वो किससे कॉन्टैक्ट में आएगा? जो सबसे नीचे जो पोर्शन होगा, तो पर्सन के लेग्स, दोनों लेग्स कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रीब्यूट्स टू द डायफ्रामेटिक सरफेस। और लेफ्ट सरफेस कैसे बनेगी? लेफ्ट वाली सिर्फ राइट लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम से। और मेजर पोर्शन देख रहे हैं आप किस कैसे फॉर्म हो रहा है, पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल से मेजर पोर्शन है, और छोटा सा पोर्शन लेफ्ट एट्रिया का है। तो सबसे अब क्विक रिकैप लेते हैं, एंटीरियर सरफेस सामने सरफेस, यानी कि स्टर्नोकोस्टल सरफेस कैसे फॉर्म हो रही है? पर्सन के राइट साइड से, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल। लोअर सरफेस दोनों पैरों से फॉर्म हो रही है, दैट इज राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट सरफेस कैसे फॉर्म हो रही है? लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल से हो रही है, पर मेजर पोर्शन किसका है? लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो बस अब ये पहली हेडिंग में कंपेरिजन कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स। तो कौन स्टर्नोकोस्टल को कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर्मेशन में? वी हैव गॉट सामने की तरफ राइट साइड, यानी कि राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। डायफ्रामेटिक यानी कि लोअर पोजिशन, दोनों पैर राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट सरफेस कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ये करेगा लेफ्ट साइड का सारा, यानी कि लेफ्ट ओरिकल, माइनर कंट्रीब्यूशन, छोटा कंट्रीब्यूशन है बस ऊपर की तरफ, और बाकी मेजर कंट्रीब्यूशन कैसा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनर वाइवा में, और आपसे पूछेगा सरफेस क्वेश्चन तो ये जरूर क्वेश्चन वो अराइज करेगा। पहला क्वेश्चन अराइज होता है कितने सरफेस होते हैं और कौन कौन फॉर्म कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिक यही अराइज होने वाला है आपके वाइवा में, प्रोफ में हो चाहे इंटरनल एग्जामिनेशन में वाइवा हो। तो अब थोड़ा फीचर पढ़ते हैं हम स्टर्नोकोस्टल सरफेस के बारे में, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, जो स्टर्नोकोस्टल सरफेस है, तो पर्सन का राइट और लेफ्ट जो पर्सन था पूरा टिल्ट नहीं हुआ था, पूरा एग्जैक्ट नहीं बैठा हुआ था, अपोजिट साइड नहीं फेस किया था, तो थोड़ा सरफेस कंट्रीब्यूशन होता है। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल भी बहुत थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है? हमारा राइट ही साइड का है, बट थोड़ा पोर्शन आपको दिख रहा है ना सामने तरफ, इसका बहुत ही माइनर कंट्रीब्यूशन है। जो लेफ्ट एट्रिया होता है ना, मेनली पूरा ये राइट वेंट्रिकल से ऐसे ढका होता है, जो आर्च ऑफ हॉर्टा हो गया, पल्मिन ट्रंक हो गया, और ये राइट वेंट्रिकल मिलके पूरा लेफ्ट एट्रिया को पूरा कवर कर लेते हैं। तो स्टर्नोकोस्टल सरफेस में एक बात और नोट कर सकते हैं, माइनर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल।
अब डायफ्रामेटिक सर्फेस के बारे में थोड़ा और जानें तो आपको पता होगा इट रेस्ट ऑन द सेंट्रल टेंडन, रेस्ट ऑन द सेंट्रल टेंडन। डायफ्राम का वीडियो अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, तुरंत देखिए इस वीडियो के बाद ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसमें डायग्राम के साथ में समझाया, अभी नहीं समझा रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा। तो इट रेस्ट ऑन द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम, जहाँ पर सारे मसल्स सारे अटैच होते हैं। और डायफ्रामेटिक सरफेस में वही नियरली जैसे बेस में था, राइट साइड से कितना कंट्रीब्यूशन आता है 1/3 और लेफ्ट साइड से आता है 2/3 कंट्रीब्यूशन। अब लेफ्ट सरफेस में क्या है, इट इज़ मेनली फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पार्शली बाय द लेफ्ट एट्रियम और ओरिकल। तो एट्रियम ओरिकल को आप साइमल्टेनियसली ले सकते हैं, एग्जैक्ट डिटेल्स कोई नहीं पूछता, आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे भी कोई ध्यान नहीं देगा। तो ठीक है, जितना बता रहा हूँ उतना लिखें, इसके जगह एट्रिया भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड बैकवर्ड एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये बात लिखना है या ना लिखना उतना जरूरी नहीं है, फिर भी आपको बता दूँ कैसे डायरेक्टेड है, अपवर्ड बैकवर्ड और लेफ्ट, लेफ्ट साइड है चाहे से बताए लेफ्ट साइड रहेगी, अपवर्ड बैकवर्ड एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब शायद दिख रहा होगा आपको, ठीक है, अपवर्ड बैकवर्ड एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट।